अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहा चावला, राइट एट योर सर्विस। और हम बात करने लगे हैं आयरन डेफिशिएंसी के दो ऐसे कॉजेज की जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप अपनी डाइट में भी आयरन के बहुत सारे सोर्सेज इंक्लूड कर लेंगे और जितने मर्जी आयरन के सप्लीमेंट्स ले लेंगे, मैं तो वैसे आयरन के सप्लीमेंट्स किसी को रिकमेंड ही नहीं करती। कोई सप्लीमेंट अगर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती तो वो आयरन का सप्लीमेंट है कभी भी, क्योंकि बहुत हैवी होता है मोस्टली गट पर डाइजेस्ट करना, तो वो प्रॉब्लम डील नहीं होगी। क्योंकि और बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स की तरह भी जब तक प्रॉब्लम का रूट कॉज ट्रीट नहीं होगा, प्रॉब्लम ट्रीट नहीं होगी, तो आप जितने मर्जी आयरन के सप्लीमेंट्स लेते रहें, डाइट में आप जितना मर्जी हाई क्वालिटी एनिमल सोर्सेज से आयरन लेने की कोशिश करें, मीट से, रेड मीट से, फिश से, चिकन से, लेकिन अगर आयरन जज़्ब नहीं हो रहा तो उसका क्या फ़ायदा। आपके पास आयरन जिन विटामिन से की वजह से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बॉडी में जज़्ब होता है, जो उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें से आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि आपका विटामिन B12 है। B12 की जो एब्जॉर्प्शन है वो इतनी सिंपल नहीं होती, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। वो मतलब ठीक ठाक प्रोसेस से गुजरती है, जिसमें प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है कि उसको स्टमक में जाके, स्टमक में आपके पास तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की खास मिकदार होनी चाहिए, स्टमक को एसिडिक होना चाहिए, वो जाके मीट के ऊपर अच्छी तरह एक्ट करे, क्योंकि B12 एक ऐसा वाइटामिन है जो प्लांट सोर्सेज में नहीं होता, खाली एनिमल सोर्सेज में होता है। और गोश्त के ऊपर स्टमक का तेजाब इतना तेज़ हो कि वो गोश्त के ऊपर इस तरह से एक्ट कर सके कि वो B12 को उससे अलग करे, वहाँ पे फिर वो इंट्रिंसिक फैक्टर से मिलता है, वो आंतों में जाता है, आंतों का हेल्दी होना अगेन ज़रूरी है ताकि वो एब्जॉर्ब हो ट्रांसकोबेलोमिन के साथ और वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाए। अब अगर ये B12 अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, आयरन आपका नहीं बनेगा, आयरन आपका लो होगा। इसके साथ साथ B9 और B6 भी, ये तीनों चाहिए होते हैं आयरन बनाने के लिए। अगर ये लो होंगे, आयरन लो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि फिर आयरन बने। अगर आप B12 वाले खाने ले भी लेंगे, B12 आपके पास सिर्फ एनिमल सोर्सेज में होता है, लेकिन अगर उसका एब्जॉर्प्शन का और उसके ट्रांसपोर्ट होने का, जज़्ब होने का और ट्रांसपोर्ट होने का प्रोसेस ठीक नहीं है, तो आयरन ठीक नहीं होगा। सप्लीमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना, उल्टा आपको और ज़्यादा डायरिया होता जाएगा सप्लीमेंट्स करके। अब अगर आपके स्टमक में तेजाब कम होगा, स्टमक आपका अल्कलाइन होगा, तो क्या होगा, वो मीट के ऊपर ठीक क्रैक नहीं करेगा डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि मीट ने आपके मोस्टली स्टमक में डाइजेस्ट होना होता है, और B12 अलग नहीं होगा, वो इंट्रिंसिक फैक्टर से अटैच नहीं होगा, तो आपको आयरन की कमी हो जाएगी। अब मोस्टली जो मेरे पेशेंट्स हैं उनकी हमने सिर्फ स्टमक की तेजाबी ठीक किया, उनके स्टमक का तेजाब दोबारा ज़्यादा किया, कोई सप्लीमेंट नहीं दिया, डाइट भी वो पहले वाली ले रहे थे, और उनकी आयरन की कमी पूरी हो गई। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपने जादू कर दिया। जादू नहीं किया, साइंस लड़ाई है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, उसके साथ जो है इंसाफ की है, करने की कोशिश की है नॉलेज के साथ। तो स्टमक का तेजाब बढ़ाने का बेहतरीन तरीका, वन ऑफ द तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने एप्पल साइडर विनेगर 1 टीस्पून खाने से 30 मिनट पहले 150 मिलीलीटर कोकोनट वाटर में, नारियल पानी में या आम पानी में लेके पी जाना है, जहाँ पर ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इंप्रूव करता है, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है, एपेटाइट भी सप्रेस करता है, वहाँ पर स्टमक एसिडिटी में भी हेल्प करता है। और बीटीन हाइड्रोक्लोराइड एक बड़ा बेहतरीन सप्लीमेंट है उन लोगों के लिए जिनकी स्टमक की एसिडिटी कम हो गई है, उसको वापस लाने का एक तरीका है। अगर आपके पास आयरन कम है और आपने डाइट से भी करेक्ट करने की कोशिश कर ली है और सब कुछ कर लिया है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द टॉप रीजंस कि आपको B12 जो है और B12 कम है और आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सप्लीमेंट ने भी जाके उसी रास्ते से एब्जॉर्ब होना है, तो समझ जाएं कि आपके स्टमक की तजाबियत कम है और इसको आपको डील करने की ज़रूरत है। और इसकी एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है जब स्टमक की तजाबियत कम हो कि आपको हर वक्त गले के यहाँ पर ना एक छोटा सा लंप फील होता रहता है ऐसे यहाँ पे, खास करके सुबह उठ के, और जब आप सुबह उठते हैं आपको लगता है जैसे खाना यहाँ वापस आया हुआ है। ये वन ऑफ द टॉप इंडिकेशंस है कि स्टमक की तेजाबियत जो है कम है। दूसरी रीज़न आपके पास आयरन की कमी की, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, जो कि आसानी से पहचाना जाता है CBC रिपोर्ट में, साथ आपके पास फिटीग, हेडेक, नॉजिया, वीकनेस, ये सब कुछ भी होता है, वो आपके पास ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो सकती है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो सकती है। ग्लूटेन आप और आप डाइट में अपना ग्लूटेन ले ही जा रहे हैं, अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है और आप डाइट में गंदुम ले ही जा रहे हैं तो आपकी अपनी आंतों के सिस्टम को, अपने हाजमे के सिस्टम को और डैमेज कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ आयरन की कमी नहीं होगी, आयरन के साथ साथ यहाँ पे बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी आपके पास कमी हो जाएगी, तो आप ओवरऑल न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड होंगे। और आप नोट करेंगे कि आपको डायरिया भी रहता है, आपको वेट लॉस भी रहता है। अब आप कैसे पहचान सकते हैं आप ग्लूटेन इंटॉलरेंस हैं कि गंदुम, ग्लूटेन, व्हीट बार्ली, राई और ग्लूटेन के बने प्रोडक्ट्स खाने के बाद अगर आपको ब्रेन फॉग होता है, आप क्लियरली सोच नहीं पाते, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या डायरिया हो जाता है, एकदम से पूरी बॉडी के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में, कोहनी
कोहनियों में, कमर में, आंखें नहीं खुलती हैं, मुंह आपका जो है वो ऐसा लगता है जैसे सूज गया है, पफीनेस हो गई है। इवन ऑफ द वेरी फ्यू सिम्टम्स हैं पहचानने के लिए कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, अपनी लाइफ से ग्लूटेन निकालेंगे। बहुत सारे और अनाज हैं दुनिया में, ज्वार है, बाजरे, मकई है, बेसन है, किनवा है, उनको इंक्लूड करेंगे, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन आइटम्स का इंटेक कम करेंगे, इंटरमीडियंट फास्टिंग पे जाएंगे, 90 दिन के बाद आपका गट हील होना शुरू हो जाएगा। और जब गट हील होना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा और आपको फजूल में सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वन ऑफ द टॉप टू मोस्ट लीस्ट टॉक्ड अबाउट कॉजेज हैं आयरन डेफिशिएंसी के, ग्लूटेन सेंसिटिविटी और लो स्टमक एसिड। इस पर मैंने आज बात किया, होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी ऑल ऑफ यू विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।